दाखला शेख रशीद इस वक्त क्रिसमस के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसकी जरूरत है कि यहाँ क्रिश्चियन की रिहाइश का मसला हल होना चाहिए। कच्ची आबादियों में लोग रह रहे हैं, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो कि इंसान के लिए मुआफिक जगह नहीं है। सो हमें क्रिश्चियन की आबादकारी के लिए काम करना चाहिए और मेरा आपसे वादा कि मैं इसमें काम करूँगा। और CDA मैं अब आया नहीं करता था, मैं आया करूँगा। पहले आज तक मेरा एक साल हो गया, मैं CDA कभी नहीं आया। अब मैं महीने में एक दिन CDA आके यहाँ के मसाइल मैं खुद देखूँगा कि क्या मसले मसाइल हैं और कैसे इसके हल हो रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को हैप्पी मैरी क्रिसमस कहता हूँ। और शायद मैं क्रिश्चनों के साथ मेरे दिन अच्छे गुजरे हैं ये महीना के। मुझे बड़ा डर था एक्निक का, CWP से तो हो गया था कि एक्निक कहीं टाइम ना ले ले। मैं एक्निक की कमेटी का भी मशकूर हूँ, उमरान खान का भी मशकूर हूँ। और हो सकता है कि मैं नालालई के बाद अपनी सियासत का भी फैसला कर दूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मिशन था कि नालालई, जो मैंने 11 अरब रुपए से शुरू की थी, 11 अरब रुपए से नालालई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अब 105 अरब रुपए पे हो गया 26 सालों में। आप अंदाज़ा करें कितना मुश्किल काम है इंसान का। जो अस्पताल 2 अरब रुपए का था वो 9 अरब रुपए में हो गया, 7 अरब रुपया मिला है। काम करवाना बड़ा मुश्किल है, बातें करनी बड़ी आसान है। और बातें आपको पता है वो ज़्यादा चलती हैं जिसमें चटखारा हो, जिसमें कोई वीडियो हो, जिसमें कोई ऑडियो हो, जिसमें किसी की पगड़ी उछले, जिसमें किसी के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़मान इस्तेमाल करनी हो। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं तमाम मज़हबों के उलमा का, ख़्वाह वो बिशप साहब हैं, ख़्वाह वो पादरी साहब हैं, ख़्वाह वो मौलवी साहब हैं, ख़्वाह वो अलामा साहब हैं, ख़्वाह वो मुफ्ती साहब हैं, सब लोगों का नाम एहतराम से लेता हूँ। ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं हर मज़हब के बड़े आदमी का नाम इज़्ज़त से लूँ। और जो लोग उलमा किराम का नाम मजाक से लेकर ये समझते हैं कि ये वो खिदमत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा चुटकुला होता है, ये थोड़े से देर की बात होती है, लोग भूल जाते हैं। मैं तमाम अपनी क्रिश्चियन बहनों और भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और 25 और 26 तारीख को आपको छुट्टी या तनख्वाह ना मिले तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।